साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख की संतान आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी के रिमांड पर भेजा गया है और अब 7 अक्टूबर तक आर्यन से कई तरह की पूछताछ होगी, सिंगल इंटरोगेशन होगा, दूसरे आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी और जरूरत पड़ी तो ग्रुप क्वेश्चनिंग भी होगी, क्योंकि एनसीबी को पूरा पूरा लगता है कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल रक सिंडिकेट का हिस्सा है और उसके तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए हैं। जी हां, यही सब कुछ कोर्ट में एनसीबी ने कहा और इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। आर्यन के लिए पैरवी करने पहुंचे सतीश मान शिंदे ने भी बहुत कुछ कहा, यहां तक कह दिया कि आर्यन पूरा क्रूज खरीद सकता है, कोर्ट रूम में पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ, फिल्मी दलीलें दी गई और भरे कोर्ट में वकीलों की जबरदस्त लड़ाई हुई। तो मिनट दर मिनट कोर्ट में क्या हुआ, कैसी दलीलें दी गई, पूरी कहानी, पूरी डिटेल आपको सिलसिलेवार तरीके से मिनट दर मिनट बताते हैं। आप भी इसे लेकर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सोमवार को दोपहर ठीक 3:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई से पहले ही एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े साफ कर चुके थे कि वो आर्यन और उसके साथियों की और कस्टडी मांगेंगे। 4 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे एनसीबी ने दूसरे दिन पकड़े गए 5 आरोपियों की रिमांड मांगी और कोर्ट में फाइनली सुनवाई शुरू हो गई। 4 अक्टूबर दोपहर 3:38 पर एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी मांगी। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान के फोन से कुछ तस्वीरें मिली हैं जो रखी हैं और ये बेहद खतरनाक हो सकती हैं। इसके बाद कोर्ट ने वो सब कुछ देखा, चैट्स देखी, फोटोज भी देखी। 4 अक्टूबर 4:00 एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एक गैंग बताया और कहा कि ये तीनों मिलकर गैंग की तरह काम कर रहे हैं और अब तो कोर्ट में हंगामा बढ़ने लगा था क्योंकि सीधे सीधे आर्यन खान पर गैंग चलाने तक का आरोप जड़ दिया गया था। 4 अक्टूबर 4:13 पर एनसीबी की ओर से कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक गैंग की तरह हैं। इनके फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं जो इशारा करती हैं कि रक का ये रैकेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। हमें इनके कॉल डिटेल्स निकालने होंगे, पूछताछ और जांच का दायरा बढ़ाना होगा, इसीलिए हमें रिमांड दी जाए ताकि सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके और भी जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जानी है। अब तो बवाल कई गुना बढ़ गया था, हालांकि अभी आर्यन के वकील को बोलने का मौका नहीं मिला था, अभी सरकारी वकील ही दलील दे रहे थे। अब बारी आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे की थी। 4 अक्टूबर 4:15 पर आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, आर्यन ने ऑर्गेनाइजर से कोई बात नहीं की, इनको इनवाइट किया गया था, आर्यन के पास से रक नहीं मिली है, इससे कैसे साबित होता है कि आर्यन इन सब में शामिल है और गैंग चला रहा है। 4 अक्टूबर 4:18 पर मान शिंदे ने कहा, व्हाट्सएप चैट, डाउनलोड, तस्वीरें, कुछ भी ये साबित नहीं करते कि आर्यन का इन रक से कोई लेना देना है। अगर कोई ऐसी चैट है जिनमें रक को लेकर बात हो रही है तो ये सामान्य भी हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आर्यन नशीली दवाओं की तस्करी करते हैं या उसमें कहीं भी भागीदार हैं। अब मामला गर्म हो चुका था, अब खचाखच भरे कोर्ट रूम में फिल्मी दलीलें शुरू हो चुकी थी। 4 अक्टूबर 4:19 पर अगले मिनट सतीश मान शिंदे ने रिया चक्रवर्ती के केस का जिक्र किया और रिया की जमानत वाले आदेश की कॉपी भी दिखाई। मान शिंदे ने कहा कि गैर जमानती धारा होने के बाद भी रिया को जमानत दी गई और आर्यन को भी जमानत दे दी जाए। 4 अक्टूबर 4:20 पर आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, न तो आर्यन के पास से न उसके बैग से कोई रग मिला है, कोर्ट खुद देख सकता है कि उन व्हाट्सएप चैट में क्या है। अब हालात ऐसे हो गए थे कि कोर्ट तक को इसमें बोलना पड़ा। 4 अक्टूबर 4:25 पर मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट ने कहा, सतीश मान शिंदे के तर्कों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस हिरासत की मांग कर रहे हैं और जमानत के लिए भी बहस कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट का कहना था कि मान शिंदे भटकी हुई दलीलें दे रहे हैं, साफ कुछ नहीं कह रहे हैं। 4 अक्टूबर 4:30 सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन खान ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, उन्हें इनवाइट किया गया था और पैसे के लेन देन जैसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ देर यहाँ पर कोर्ट में ब्रेक हुआ, करीब 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई। 4 अक्टूबर 4:45 पर
अब आर्यन की जमानत के लिए सतीश मान शिंदे ने बड़ी तैयारी की थी और मान शिंदे ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश किया, जिसमें कहा गया कि किसी आरोपी को दोषी साबित करने के लिए व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे। अब सुनवाई को करीब 1.5 घंटा हो चुका था, दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी। अब आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान ने रख खरीदा या बेचा, ऐसे में S-37 लागू नहीं होता। आर्यन अभी 24 साल के लड़के हैं, इस तरह के मामले में वो पहली बार आरोपी बने हैं, ऐसे में उन पर वो दलील नहीं थोपी जा सकती जो दूसरे आरोपियों को लेकर दिए जाते हैं। 4 अक्टूबर शाम 5:10। अब सरकारी वकील ने फिर पलटवार किया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, चैट मैसेज में जो है वो भले ही रिमांड की सुनवाई के लिए प्रासंगिक ना हो, लेकिन मैं फिर से कोर्ट से उन्हें पढ़ने का अनुरोध करूंगा। इसमें कई अज्ञात लोगों से चैट है, ये चैट थोक खरीद के बारे में और इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ थोक खरीद की बात आ चुकी थी, यानी कि मामला पूरी तरह से आर्यन के खिलाफ जाने लगा था। 4 अक्टूबर शाम 5:10। अब सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। 4 अक्टूबर शाम 5:12। सरकारी वकील ने तुरंत ही जवाब दिया और कहा कि इससे यही साफ होता है कि कुछ तो कनेक्शन जरूर है, ये लोग लगातार उस अज्ञात शख्स के संपर्क में थे जो रक की डीलिंग कर रहा था। 4 अक्टूबर शाम 5:15। सरकारी वकील ने कहा, रक सप्लायर से आप लगातार संपर्क में रहते हैं, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी जांच की जानी चाहिए, हम रिमांड की मांग करते हैं ताकि आगे की जांच हो सके। सरकारी वकील की दलील यहीं पर खत्म नहीं हुई। 4 अक्टूबर शाम 5:20। इसके बाद सरकारी वकील ने कहा, हमारी जांच अभी शुरू हुई है, प्रारंभिक है, इसीलिए रिमांड दी जाए और जमानत की अर्जी को खारिज किया जाए। अब करीब 2 घंटे हो चुके थे, सुनवाई जारी थी, हंगामा जारी था, दोनों तरफ से तीखी तीखी जलीलें हो रही थी। अब आगे देखिए, 4 अक्टूबर शाम 5:30। सरकारी वकील ने बताया कि जहाज पर 1300 लोग सवार थे, पार्टी चल रही थी, रेव पार्टी चल रही थी। 4 अक्टूबर शाम 5:35। अब इस पर तुरंत ही आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने भी जवाब दिया। सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन खान को रक बेचने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो पूरा क्रूज, पूरा जहाज खरीद सकता है और अकेले ही उस पर सवारी भी कर सकता है। अब तो मामला पूरा फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ रहा था। मान शिंदे एक तरह से ये दिखाना चाह रहे थे कि आर्यन खान कितने अमीर हैं, कितने बड़े आदमी के बेटे हैं, मगर कोर्ट में ये सब कुछ कहां चलता है। आगे देखिए, 4 अक्टूबर शाम 5:45। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, मुनमुन और अरबाज इंटरनेशनल रक सिंडिकेट के हिस्से हैं। 4 अक्टूबर शाम 5:55। सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन खान अभी अभी विदेश से पढ़कर भारत आए हैं, तो ये कैसे सिंडिकेट का हिस्सा हो गए। अब यहाँ पर करीब करीब सुनवाई पूरी हो गई, कोर्ट को अब अपना फैसला सुनाना था। 4 अक्टूबर शाम 6:00। करीब 2.5 घंटे की सुनवाई और दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन खान और उसके दोनों साथियों को एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि 11 अक्टूबर तक रिमांड नहीं दी गई, मगर 7 अक्टूबर तक तीनों को रिमांड पर भेज दिया गया। सतीश मान शिंदे जैसे वकील की बड़ी दलीलें काम नहीं आई, वो भी ढेर हो गई, जमानत तो दूर, सीधे रिमांड पर भेज दिया गया। कुल मिलाकर आर्यन खान अब एनसीबी की रिमांड पर है, पूछताछ पूरी होगी और आगे जेल जाने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। कोर्टरूम के इस पूरे ड्रामे पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।